आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही स्पाइसी और टैंगी फ्लेवर कच्चे आम का अचार। ये अचार झटपट से बन जाएगी 10 से 15 मिनट में और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर से बने रहें और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है ये रेसिपी, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ तकरीबन 1 किलो कच्चा आम, जो अभी बहुत इजीली अवेलेबल होगा मार्केट में। इसे मैंने अच्छे से धो लिया था और सूखे कपड़े से इसका पानी जो है वो पोंछ करके कुछ देर पंखे के नीचे छोड़ दिया था, ताकि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे। अब इसको हम इसी तरीके से कट कर लेंगे और इसकी बीच की जो गुठलियाँ हैं उसको निकाल देंगे। अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हमें कट कर लेना है। आप चाहो तो जैसे मर्जी वैसे कट कर सकते हो, आप इसे लंबे में कट कर सकते हो, आप चाहो तो मेरी तरीके से छोटे छोटे कट कर सकते हो। मैं यहाँ छोटा इसलिए कट कर रही हूँ ताकि ये अचार तुरंत से बन जाए और हम इसे खा सकें। इसी तरीके से मैं आपको एक और कट करके दिखा रही हूँ। इसे बीच से कट करना है, फिर इसे दोबारा से बीच से कट करेंगे और गुठलियों को निकाल देंगे और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। आप चाहो तो इसके छिलके को भी हटा सकते हो, बट मैं छिलकों के साथ ही बना रही हूँ। तो ज़रूर से इसे एक बार आप ही बनाएं और यकीन मानिए ये इतनी इंस्टेंट है कि आप इसे बनाओगे और 1 या 2 दिन के अंदर ही ये खाने लायक हो जाती है। तो ज़रूर से आप भी इसे एक बार ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं ज़रूर कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और आपको ये अचार कैसी लगी खाने में। तो बिल्कुल यहाँ हमने कट करके सारे आम को रख लिया है। अब एक मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैं गैस पर एक पैन ले रही हूँ और उसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून राई, जिसे ब्लैक मस्टर्ड सीड भी बोलते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून येलो मस्टर्ड सीड, जिसे सरसों का बीज भी बोलते हैं। और इसी के साथ डाल रही हूँ मैं 5 लाल मिर्च। फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून ही मेथी दाना और 2 टेबल स्पून सौंफ, और इसी के साथ 1 टेबल स्पून जीरा। जीरा ऑप्शनल है, मुझे पर्सनली जीरे का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है अचार में, तो मैं डालती हूँ। आप भी ज़रूर से इसे एक बार ट्राई करना। फिर इसे हमें मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है मसालों को। मसाला ज़्यादा नहीं पकाना, बस जैसे ही एक भीनी भीनी सी खुशबू आने लगे मसालों से तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे हमें ग्राइंडिंग जार में। और यहाँ पे हमें इसे दरदरा मसाला तैयार कर लेना है, महीन मसाला नहीं बनाए, दरदरा सा पीस लेना है। तो मसाले यहाँ तैयार हैं। अब मैं एक बड़ा सा बोल ले रही हूँ, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ हमारे कटे हुए आम के पीसेस। एक बात का ध्यान ज़रूर से रखें कि चाहे आप बोल ले रहे हो या आप हाथ का इस्तेमाल कर रहे हो या आप चम्मच या करछी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो पानी बिल्कुल भी ना रहे, एकदम सूखे हाथ का से ही करें। अब आम जो हमने बोल में रखा था उसमें हम ऐड कर देंगे हमारे मसाले, और उसी के साथ इसमें 1 टेबल स्पून में डाल रही हूँ हल्दी का पाउडर। इसी के साथ ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और साथ में डालेंगे नमक। नमक स्वाद के अनुसार जो भी आप खाते हो उससे थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करना, क्योंकि अचार में थोड़ा नमक तेज़ होता है। अब यहाँ पे मैं एक तड़का पैन ले रही हूँ और उसमें मैं डाली हूँ सरसों का तेल तकरीबन 1 कप, और साथ में मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच हींग। हींग यहाँ मैं दानेदार हींग का इस्तेमाल कर रही हूँ, उससे जो फ्लेवर होता है वो काफ़ी बढ़कर आता है। और फिर इसमें मैंने ऐड करा है 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून मंगरेला। तेल को यहाँ पे हमें पकाना नहीं है, बस हल्का सा गर्म हो जाए, उसमें से जब धुआँ निकलने लगे तो बंद कर देंगे और फिर हम तेल को ऐड करेंगे हमारे आम में। या ये देखिए, यहाँ पे जो मसाले हमने ऐड करे थे उसी के साथ इसमें अब तेल ऐड कर देंगे
और इसको हमें अच्छे से मिला लेना है। तो बस हमारा आम का जो अचार है वो बनकर तैयार है। तो देखा ना आपने कितनी आसानी के साथ झटपट से हमारा कच्चे आम का फ्लेवरफुल स्पाइसी टैंगी अचार बनकर यहाँ रेडी है। और इससे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि हमारे आस पड़ोस वाले भी आकर पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ आज अचार बन रहा है क्या। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 छोटी चम्मच चाट मसाला और 1 टेबल स्पून विनेगर। इसको डालने से हमारे अचार की जो सेल्फ लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। तो बस इसे भी अच्छे से मिक्स कर ले और हमारा अचार जो है वो बनकर तैयार है। इसे किसी भी आप एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख सकते हो और बस 1 या 2 दिन के बाद ही आप इस आम के अचार का मज़ा उठा सकते हो। तो ज़रूर से इसे एक बार ट्राई करें और यकीनन आपके घर में ये सबको पसंद आएगी और बड़े ही आराम से आप इसे 3, 4, 5 महीने तक खा सकते हो। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने घर में भी आप इसे बनाएं, खुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी खिलाएं। अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलती हूँ ऐसी ही एक फ्लेवरफुल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खाते रहें और दूसरों को भी खिलाते रहें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे अहेड।